हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करने वाले हैं हमारे टीवाई बीकॉम क्लास, जैसा कि आप देख रहे हो सेमेस्टर 5 आपका लेक्चर नंबर 5 एंड टॉपिक आपका चल रहा है ओवरहेड्स में, प्राइमरी ओवरहेड्स चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका सिलेबस है। इसका मतलब क्लास 5 हमारी चलने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सीधा सम पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो इधर सम में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर, सम किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए, प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने बताया था, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से आपको दिए भी रहते हैं। एक्सपेंसेस देखो दिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स इनडायरेक्ट वेजेस, लाइटिंग, रेंट एंड रेट्स, इलेक्ट्रिक पावर, डेप्रिसिएशन, अंडर एक्सपेंसेस, तो सबको मैंने यहाँ पे लिखा। इन एक्सपेंसेस को किसी के बेसिस पे आपको जो ये टोटल अमाउंट आपको दिखता है, इनका टोटल अमाउंट आपका ये क्वेश्चन में जो दिखता है, बेस आपके यहाँ पे दिए गए हैं भाई, कुछ बेसिस आपके दिए गए हैं जिसके बेस पे आपको क्या करना भाई, इस एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके पास डिपार्टमेंट कितने हैं, देखो इधर ये तो क्वेश्चन बताया भाई, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड मैंने लिखा। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड, बाकी रिमेनिंग जो 2 बच गए वो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये जरूर पढ़ लिया करो, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाद में ध्यान रखना, मैंने बताया था कहाँ इसका यूज होगा, आगे देखोगे। अभी एक्सपेंसेस को मैंने पहले से कॉपी रखा है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी और एक्सपेंसेस को कॉपी किया। मेन आपका ये बेसिस निकल के आता है, जिस बच्चों को ये बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टार्टिंग से मेंशन करते आता हूँ, बाकी तो भाई ये कैलसी का काम निकल होता है। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बेसिस कैसे डिसाइड करोगे, बेसिस के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और क्लियर क्वेश्चन है प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी, क्लियर। तो हेडिंग ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए निकल के आया ये फाइंड आउट करना कि भाई कौन से एक्सपेंसेस को किस बेस पे लेके जाओगे। पहली बार आया है सर इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस इसमें आएगा क्योंकि मैंने पहले वर्ड यूज किया था, जो प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का है, डायरेक्ट का नहीं है, इनडायरेक्ट का है, तो इनडायरेक्ट वेजेस आ गया है। तो ये किस पे जाएगा सर, पहली बार आया इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट वेजेस लेना पड़ेगा आपको डायरेक्ट वेजेस का, क्योंकि वही एक हिंट ही है भाई, क्लियर है कि नहीं। डायरेक्ट वेजेस आपको कहां पे दिया, क्वेश्चन में देखो कर दिया 30 20 44 6, या तो 2 से सबको कैंसिल कर दो, 2 से देखो सब कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर, 15, 20 का कितना आ जाएगा 10, 40 का कितना आ जाएगा 20, 4 का कितना आ जाएगा 2, 6 का आ जाएगा 3। ये ट्रिपल जीरो का ध्यान रखना, ट्रिपल जीरो का ये जो दिया है ना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ ट्रिपल जीरो भी तो दिया, रुपीज ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो रेशियो जब करते हो तो ऑलरेडी कैंसिल ही मारोगे ना भाई, तो ट्रिपल जीरो का यहाँ यूज नहीं, लिखते भी तो भी कैंसिल करना पड़ेगा। लाइटिंग की बात करते हैं, लाइटिंग के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था भाई, लाइटिंग के लिए देखा करो आप पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया, लाइट पॉइंट आ गया, मैंने बोला लाइट पॉइंट दिया है तो सोचो ही मत, वो लाइट पॉइंट पे ही जाएगा। लाइट पॉइंट अगर दिया है तो सोचना ही नहीं है भाई, ये आपका लाइट पॉइंट पे ही जाएगा। बट अगर सर लाइट पॉइंट नहीं दिया होता तो ये किस पे जाता, ये फिर जाएगा आपका एरिया के ऊपर, एरिया जो दिया होगा उसके ऊपर जाएगा, जैसे फ्लोर स्पेस बोले तो एरिया जो दिया रहेगा उस पे जाता, लेकिन लाइट पॉइंट दिया है तो उसी पे जाएगा। लाइट पॉइंट को देखो कितना है, 20 30 40 20 10, तो 0 0 0 सबका कैंसिल मार दो तो कितना आएगा 2 3 4, कितना आ रहा है 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 1, कोई दिक्कत है, किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए,
आगे जरा बात करते हैं भाई, रेंट एंड रेट्स, ये तो सोचना ही नहीं, ये तो जाएगा हमारे एरिया पे, फ्लोर स्पेस जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन, देखो ना फ्लोर स्पेस देख के रखा है, लिखो यहाँ पे आप, ये जाएगा फ्लोर स्पेस स्क्वायर मीटर, पूरा लिख दिया करो जैसा डिटेल्स आपको दिया है, 150, 200, 250, 150, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, पहले तो 0, 0, 0 सबका कैंसिल आएगा, 15, 20, 25, 10, 5, क्लियर है कि नहीं, और सब देखो 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो 5 का टेबल पढ़ लो भाई, 5 का टेबल पढ़ो, 5 3 15, 3, 5 4 20, 4, 5 5 25, 5, 5 2 10 एंड 5 1 5, कोई दिक्कत, मतलब 0 0 0 कैंसिल कर दो, अगर सब नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर लो, तो 5 के टेबल में सब नंबर आ रहे थे तो हमने वहां पे कर लिया। इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर के लिए दिया होगा, देखो इधर पे हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो उसी पे जाएगा, किस पे जाएगा, ये जाएगा HP, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, क्लियर है कि नहीं है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, पहले भी आ चुका है। चलो इसके रेशियो की बात करते हैं जरा, 40 45 65, तो 5 के टेबल में सब आ रहे, डिवाइड करो जरा इनको, 5 का टेबल 40 आना चाहिए, 5 8 40, 5 के टेबल में 45 आना चाहिए, 5 9 45, 5 के टेबल में 60 आना चाहिए भाई, 12 5 60, 5 के टेबल में 5 आना चाहिए, 5 1 5, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक लग रही है, देखो सिंपल टॉपिक है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं जरा, और क्या दिया भाई, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो जाएगा अपना, डेप्रिसिएशन भाई अपना यहां पे यूज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो यहां पे देखते भाई, वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है, प्लांट मशीन असेट पे ही तो जाएगा ना, तो भाई एक ही असेट दिया होगा हमेशा, तो यहां पे दिया है वैल्यू ऑफ मशीनरी, लिख दो यहां पे वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना देखे रखा है, 60 50 80 10 0 0 0 कैंसिल मार दो, बचेगा कितना, 6:5:8:1, बहुत सिंपल टॉपिक है आपका ये, यही मैं बोलता हूँ, जिस बच्चों को आ गया तो समझो मार्क्स आपको कंप्लीट मिलने वाला है आपको। लास्ट आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, बच्चे कन्फ्यूजन में, सर सन्ड्री एक्सपेंसेस किस पे जाएगा, चलिए अब थोड़ा सा अगर मैं समझता हूँ, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो पहले एक लॉजिक लगाते भाई, सन्ड्री एक्सपेंसेस हर किसी बच्चे को पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए भाई, आपने रट्टा मारा है या फिर याद किया होगा या फिर समझा होगा, तो PNL के डेबिट में शिफ्ट कर देते आप इसको, सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस करके आता था, उसका मशीन से कोई लॉजिक है, सर मशीन से सन्ड्री एक्सपेंसेस का कोई लॉजिक नहीं है, हॉर्स पावर का कोई लॉजिक है, बिल्कुल पॉइंट नहीं है, लाइट पॉइंट का कोई लॉजिक है, बिल्कुल नहीं है सर, फ्लोर स्पेस का कोई लॉजिक बैठता है, बिल्कुल नहीं बैठेगा, लास्ट एक बच रहा है डायरेक्ट वेजेस, अगर मैं लॉजिक के बेस पे मतलब यहाँ पे ऐसा दिमाग लगा के एक एक करते आऊंगा तो भी लास्ट ऑप्शन मेरे पास डायरेक्ट वेजेस ही बनता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए भाई जो सन्ड्री एक्सपेंसेस किया जाता है वो बेसिकली एम्प्लॉई पर्पज के लिए किया जाता है, मीन्स एम्प्लॉई जो हमारे होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो किस बेस पे किया जाएगा, तो कॉमन सी बात है जैसे उनकी वेजेस होगी उस बेस पे होगा, इट मीन्स ये हमारे किस पे जाने वाले हैं भाई, डायरेक्ट वेजेस पे जाने वाले हैं, डायरेक्ट वेजेस का ऑलरेडी मैं यहाँ पे रेशियो निकाल चुका हूँ, कितना 15:10:20:2:3, क्लियर है कि नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, अब इसी टाइम एक और काम आप कर लो, ताकि क्वेश्चन को ना आप सीधा साइड ही कर दो, मैंने बोला था जब आप रेशियो करते हो तो भूल नहीं जाना, एक कॉन्सेप्ट हमेशा लिख दिया करो अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा, कौन सा, जो मैंने बताया था आपको कि भाई अगर सर्विस डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट वेजेस हमारा आता है और बेसिस में आपको लिखना है भाई एलोकेटेड, और ध्यान रखना सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट देखो इधर पे आप कितना था 2 लास्ट के 4 6, देखो सर्विस डिपार्टमेंट लास्ट के है ना भाई, ये 6 दिया है ये 4, क्लियर है कि नहीं है, लेकिन अब यूज होगा भाई 000 है ना, तो यहाँ लिखो ना 000, क्योंकि अब आप यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हो तो लिखना पड़ेगा, और ये तीनों खाली रहेंगे, टोटल कितना हो गया 10,000, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ तक,
ये रेशियो फाइंड आउट करने के जस्ट तुरंत लिख दिया करो, अदरवाइज बाद में ध्यान रखना माइंड से निकल जाता है तो नंबर कैंसिल हो जाएगा। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर, डायरेक्ट वेजेस अगर सर्विस डिपार्टमेंट हमारा दिया है, दो दिया है, एक दिया है, तीन दिया है, जैसे भी दिए होंगे तो उसमें लिख दो और उसका टोटल यहाँ पे लिख दिया करो। क्वेश्चन का काम मैं बोलता हूँ अब हो गया मेरा कंप्लीट, तो क्वेश्चन को मैं साइड कर सकता हूँ, इसको आप साइड हटा सकते हो। अब काम है सिर्फ आपके कैलसी का कि भाई कैलसी उठाओ और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। चलो तो कैलसी का काम है भाई, आप लोग भी कैलसी ले लो। चलो कैलसी का काम इधर है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। क्वेश्चन को ना जरा मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ और कैलसी अपना शिफ्ट करता हूँ ऊपर, क्लियर दिखना चाहिए। इनडायरेक्ट वेजेस पहले तो रेशियो का टोटल ले लो आप, 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 आया, तो इसको साइड लिख लो आप, इसको यहाँ पे आप साइड लिखो, 50 आया टोटल, 50 आ गया तो काम खत्म। 50 आया, 40 आया, कुछ भी आया, टोटल आप साइड लिखो। अब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो एक एक को। अमाउंट कितना है, 9000 कैलसी पे ले लो भाई, 9000 मल्टीप्लाई पहला पहला रेशियो है 15, मल्टीप्लाई किया जो भी आपका आंसर आया डिवाइड बाई टोटल से, टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है 50 तो डिवाइड बाई 50 कितना आ रहा है भाई, 2700 लिखो ना यहाँ पे, 2700। ये पहले डिपार्टमेंट को गया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे शिफ्ट होते फिर से 9000 मल्टीप्लाई, सेकेंड रेशियो कितना दिया भाई, 10 दिया है तो 10 जितना भी टोटल आया डिवाइड बाई 50, 50 कितना आया, 1800। क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे शिफ्ट हो जाते हैं जरा, इसका मैंने 3600 लिख दिया, किस बेस पे लिखा देखो ना, ये 10 था, बगल वाला रेशियो कितना है 20 है, तो डबल होगा ना इसका, 10 का डबल होगा तो मैंने इसका डबल कर दिया, सीधा बात वही होगी। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे शिफ्ट होते जरा, नहीं तो ट्राई कर लेना उतना ही आएगा। नेक्स्ट आप फिर से 9000 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट रेशियो आपका 2 है, जो भी टोटल आया डिवाइड बाई कितने से आप करने वाले हो, डिवाइड बाई 50 से करोगे, 360 आ रहा है, कितना आ रहा है, 360। लास्ट आपका जो बैलेंस बच जाएगा उस पर हो जाएगा, अदरवाइज आप 9000 कैलसी पे ले लो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 50 कितना, 540, तो ये आपका आ गया 540। देखो ना सिर्फ कैलसी का ही तो काम चल रहा है, मतलब रेशियो को भाई जो अमाउंट है उसको इसी रेशियो पे डिवाइड कर दो, आसान काम है कि नहीं है। कुछ कोई हार्ड कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, हार्ड है। चलिए आगे शिफ्ट हो जाते हैं जरा, आगे शिफ्ट होंगे और देखो इधर 2 3 4 2 1, तो मैंने बोला था 1 वाले रेशियो में ना आप पहले 1 निकाला करो तो आसान हो जाएगा। देखो कितना सिंपल बनेगा भाई, कितना अमाउंट है 1200 मल्टीप्लाई 1 करोगे सेम नंबर आएगा, डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल करता हूँ जरा इसका, 4 प्लस 2 आपका हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 3 10, 10 प्लस 2 12, तो डिवाइड बाई बाई 1 2 12 किया कितना आ गया 100। तो 100 ध्यान रखना 1 का आया ना, तो 1 कौन सा है, लास्ट है आपका। देखो इधर बहुत कितना, देखो सिंपल, बार बार आप कैलसी करने की जरूरत नहीं, 1 रेशियो था तो 100 आया, तो 2 रेशियो कितना सर, डबल कर दूंगा 200। 4 रेशियो तो कितना सर, 400। 3 रेशियो कितना तो सर, 300। 2 रेशियो कितना तो 200। ये बेनिफिट मिलता है कि आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा, 1 रेशियो वाले में एकदम आसान काम हो जाता है। क्लियर है, समझा कि नहीं समझा, आई होप फॉर एक बच्चे को समझ में आया। अब आगे देखो ना इधर पे फ्लोर स्पेस का भी 3 4 5 2 1 है, तो मैंने क्या बोला 1 वाला निकालो, पहले इसका टोटल कर लेता हूं मैं, 5 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, ये इसका टोटल आया 15। तो कैलसी उठाओ आप, कैलसी भाई 1 2 12000 मल्टीप्लाई 1 करोगे सेम ही आंसर आएगा, डिवाइड बाई कितना 15, डिवाइड बाई 15 कितना आ रहा है 800। ये ध्यान रखना लास्ट का है, ये आपका लास्ट का 800। तो देखो ना अब आसान चीजें हमारे लिए हो जाएंगी, इसका 2 1 है, फिर बगल में क्या दिख रहा है 2, तो इसका 2 करो, 8 2 16, तो 1600 हो गया। नेक्स्ट देखो ना 5 है, तो 8 5 40, इट मीन्स ये आपका 4000,
फिर फोर आया तो 8 4 जा 32 3 2 00 आएगा, फिर थ्री है तो भाई 8 3 जा 24 2400 आएगा। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे को समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो सिंपल सा वन वाला रेशियो आप फाइंड आउट करो भाई, टू टाइम है तो इसका टू टाइम 8 2 जा 16 जीरो का 00 हो जाएगा भाई, 5 टाइम 8 5 जा 40 00 जो दिख रहा है लगा दो, 4 है 8 4 जा 32 00 जो है लगा दो। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ रहे तो सिंपल सा कैलसी जो आपको दिया है उसी वे में आप यूज़ करो, बट मुझे लगता है थोड़ा सा आसान पड़ेगा वन वाला रेशो तो आपके लिए बेस्ट है, टाइम थोड़ा सा बचेगा। यहाँ पे भी देखो ना 8 9 12 एंड 1 तो वन रेशो फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो टोटल करते भाई, इसका टोटल आएगा 20, कितना टोटल आया? टोटल आ रहा है 20, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना? 6000 मल्टीप्लाई वन करोगे सेम आएगा, तो डिवाइड बाई कितना कर दो आप? 20 कर दो। कितना है? 300 ध्यान रखना वन का आया, वन मतलब 1 2 3 4 फोर्थ का, 1 2 3 4 फिफ्थ का दिया नहीं तो खाली रहेगा ये, एंड वन रेशियो कितना आपको दिख रहा है? 300 तो भाई 12 रेशियो मल्टीप्लाई में कर दो ना सीधी बात, 3 6 00। क्लियर है कि नहीं? कट मारो जो भी वन रेशियो अमाउंट लिख लो, 300 मल्टीप्लाई अगला रेशो कितना आपका 9 तो 9 कर लो, कितना है भाई? 2 7 00। अदरवाइज जिसको टेबल आता है तो सीधा टेबल पढ़ लिया करो, कैसे 8 है इधर कितना 3 8 3 जा कितना होता 24 00 जो बचा लगा दो। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वन रेशो ये टाइम थोड़ा सा आपका बचाता है। चलिए आगे शिफ्ट होते हैं जरा, यहाँ पे भी देखो ना कितना बेनिफिट हो रहा है भाई, वन रेशियो दिया तो सबका प्लस कर लेता हूँ मैं, इसका भी टोटल आएगा 20। चलो 24000 कैलसी ले लो भाई, 24000 मल्टीप्लाई वन करोगे सेम आएगा, डिवाइड बाई टोटल, इसका टोटल 20 है तो वन रेशियो है 1 2 00। ध्यान रखना कितना रेशियो इसका 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब ये भी खाली दिखेगा तो ये कितना आया 1 2 00। क्लियर? वन रेशियो तो 8 रेशियो जिसका उतना कितना? क्लियर है सर, मल्टीप्लाई 8 कर लूंगा ना, मल्टीप्लाई 8 कितना आया 9 6 00। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझता? देखो इधर सिंपल सा भाई, वन रेशियो जो आपने निकाला वो लिख लिया करो, मल्टीप्लाई अगला रेशियो क्या है 5 है तो मल्टीप्लाई 5 कर लिया 6000। नेक्स्ट भाई वन रेशियो कितना भाई 1 2 00 मल्टीप्लाई अगला रेशियो कितना 6 है तो 6 हो गया 7 2 00। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन सा लगता है? बहुत सिंपल टॉपिक क्या था मुझे लगता है, जिसमें वन रेशियो दिया वन फाइंड आउट करो, बाकी मल्टीप्लाई से आप कर लो। लास्ट आपका टॉपिक है भाई 15 10, इसका टोटल हमने किया था कितना आया था 50, तो 50 लिखो। चले 7 8 00 7 8 00 मल्टीप्लाई कर दो, पहला रेशियो कितना है 15, जो भी टोटल आया डिवाइड बाई 50 किया 2 3 4 0 पहला आ रहा है। चलिए इसी तरीके से आगे और फाइंड आउट करेंगे 7 8 00 मल्टीप्लाई कर लो 10 डिवाइड बाई कर लो टोटल 50 कितना आ रहा है 1 5 6 0 1 5 6 0। आगे शिफ्ट हो जाते हैं जरा 7 8 00 मल्टीप्लाई अगला रेशियो कितना आपका 2 अगला रेशियो कितना था 20 था अगला रेशियो 20 डिवाइड बाई टोटल 50 कितना है 3 1 2 0। चलिए आगे 7 8 00 मल्टीप्लाई रेशियो अगला आ रहा है 2 जो भी टोटल आया डिवाइड बाई कितना 50 किया तो 3 1 2 आ रहा है। लास्ट आपका बच रहा है 7 8 00 मल्टीप्लाई लास्ट आपका 3 डिवाइड बाई 50 टोटल 50 था ना 50 तो 4 6 8। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हैं तो उनको इसमें कोई दिक्कत आ रही है। हर एक बच्चे को एक आइडिया तो ये चल जाता होगा कि सर ये बेस मेन है, बाकी तो कैलसी का ही तो काम कर रहे हैं। लास्ट आपका करना क्या भाई? टोटल लेना है, टोटल स्टार्ट करो, पहला टोटल स्टार्ट होगा टोटल से 9000 प्लस किया 1 2 00 प्लस किया 1 2 000 मीन्स 12000 प्लस किया 6000 प्लस किया
24,000 प्लस 7,800 प्लस 10,000 70,000। जरा मैं टोटल देखना चाहता हूँ राइट चल रहा है कि नहीं। 70,000 एकदम राइट आंसर है। देखो अब वीडियो की लेंथ बढ़ा के कोई बेनिफिट नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि भाई ये आपका होमवर्क हो गया। क्या टोटल करना होमवर्क हो गया, हार्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं है, टोटल आप लोग कर सकते हो। तो टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को मैच कर लेना कि यही टोटल चल रहा है कि नहीं। 16,440 पहले डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है, 14,660 आप लोगों को टोटल कर देना है। मे बी कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बुक में मिसप्रिंट हुआ रहता है, तो आप लोग इसीलिए मेरा सजेशन रहता है हर एक बच्चे एक बार जरूर टोटल करके देख लेना। 14,660 भाई, नेक्स्ट 23,120, नेक्स्ट बात करेंगे 7,872, लास्ट आपका 7,908, ये फाइनल आंसर है। तो आई होप हर एक बच्चे को काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहा होगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं और इसी तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।